नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, इसमें कुल 8 अध्याय है, जिसमें से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पहले अध्याय को, जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। तो चलते हैं हम अध्याय पर। आप देख सकते हैं, यह है आपका पहला अध्याय, भौगोलिक खोजें। और इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह भौगोलिक खोज है क्या, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा अगला टॉपिक है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि, यानी इसमें हम लोग समझेंगे कि भौगोलिक खोजें जो हुई वह क्यों हुई और कैसे हुई, किन लोगों ने मिलकर विश्व के अनेक देशों को खोजा, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए वास्को डी गामा है, कोलंबस है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, इन सबको पढ़ेंगे। उसके बाद अंत में हम लोग भौगोलिक खोजों के परिणाम को समझेंगे, यानी जब भौगोलिक खोजें हो गई तो उसका क्या क्या परिणाम हुआ, उसको भी हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में। और फिर अंत में देखिए अभ्यास प्रश्न है, इन सभी अभ्यास प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल भी करेंगे, ठीक है, अंत तक। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है भौगोलिक खोजें। इसका पहला लाइन है, विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें यह खोजें भी शामिल है, ठीक है। यानी यह जो भौगोलिक खोज है, ठीक है, इसी के बाद क्या हुआ, आधुनिक युग का आरंभ हुआ, आधुनिक युग का शुरुआत हुआ। तो यह आधुनिक युग क्या है, तो देखिए आप इतिहास पढ़ते होंगे, आपका जो पूरा इतिहास है, पूरा हिस्ट्री है, वह इसी 3 कालखंडों में बटा हुआ है। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल जो है वह 750 ईस्वी से पहले का काल है, मध्यकाल जो है वह 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का काल है, ठीक। और आधुनिक काल जो है यह 1750 ईस्वी से लेकर अभी तक का जो काल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं, ठीक। तो यह जो भौगोलिक खोजें हुई, यह कब हुई, मध्यकाल के अंत में, यानी 1750 में अंत हो रहा है मध्यकाल, ठीक। तो इसी 1750 से पहले, यानी 1400 1500 1600 ईस्वी में क्या हुआ, भौगोलिक खोज हुआ, ठीक। जब पूरा तरह से भौगोलिक खोज हो गया, उसके बाद हमारा क्या आया, आधुनिक काल आया, ठीक। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि भौगोलिक खोजों के बाद क्या हुआ, आधुनिक युग का आरंभ हुआ, ठीक। देखिए इसमें एक और लाइन कह रहा है कि इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक। इस महादेश के लोगों ने, यूरोप के ये देशों ने, ठीक है। हम चलते हैं मैप पर, समझते हैं कि यह यूरोप कहाँ है और यह भौगोलिक खोज क्या है। आप देख सकते हैं कि यह आपके पृथ्वी का मानचित्र है, ठीक है। और आपका जो पूरा पृथ्वी है, पूरा जो संसार है आपका, इस तरह से देखिए 7 महादेशों में बटा हुआ है, ठीक है। जितना भी रंगीन भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, यह कुल मिलाकर 7 महादेश है। और इसी 7 महादेश में इस पृथ्वी पर लोग रहते हैं। देखिए आपका महादेश यहाँ पे एशिया है, ठीक। इसी एशिया महादेश में आपका भारत देश है, बगल में देखिए यहाँ यूरोप है, यहाँ देखिए अफ्रीका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ अंटार्कटिका है नीचे, ठीक है। तो इस तरह से 7 महादेश है। और बाकी देखिए, यह जो उजला कलर का भाग दिखाई पड़ रहा है आपको, यह सब पानी ही पानी है, यह पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले जो लोग जिस महादेश में रहते थे, वे उसी महादेश में रहते थे, समुद्र लांघ के एक दूसरे जगह नहीं जा पाते थे, ठीक है। जैसे यहाँ के लोग हैं तो यहीं पे रहें, यहाँ के लोग हैं यहीं पे रहें, यहाँ के लोग यहीं पे, यहाँ एशिया के लोग हैं तो यहीं, यहाँ के लोग यहीं, यहाँ के लोग यहीं, है ना। यानी यहाँ के लोग यहाँ आना चाहे तो वे ऐसा नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा बड़ा समुद्र था, ठीक है। और ये समुद्र पार करना नहीं जानते थे, इनके पास बड़ा बड़ा जहाज़ नहीं था। और सबसे बड़ा बात, पहले के लोगों को लगता था कि हमारा पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटा है, ठीक है। देखिए आप भी पढ़े होंगे कहीं किताब में, आपको कोई टीचर कहे होंगे कि पृथ्वी गोल है, तभी आपको भी समझ में आया होगा कि हाँ पृथ्वी गोल है। लेकिन अगर आप यह सब नहीं पढ़े रहते और आपसे कोई पूछता कि पृथ्वी गोल है कि क्या है, तो आपको भी यही लगता कि पृथ्वी चपटा है, ठीक है। तो पहले के लोगों को भी यही लगता था कि पृथ्वी चपटा है, ठीक। और वे समुद्र में उतरते थे और आगे जाने से डरते थे, सोचते थे कहीं आगे जाएंगे और आगे कहीं किनारा ख़त्म हो गया, है ना, चपटा तो है, किनारा कहीं ख़त्म हो गया, तो आगे हम क्या हो जाएंगे, गिर के मर जाएंगे, ठीक। तो इसलिए ये जो महादेश के लोग थे, ये लोग अपने महादेश में ही, अपने ही देश में रहते थे, समुद्र लांघ के एक जगह दूसरे जगह नहीं जाते थे, ठीक है। लेकिन देखिए उस ज़माने में यह जो यूरोप के लोग थे, यह काफ़ी समझदार थे, काफ़ी चालाक थे, और अन्य देश के लोगों की अपेक्षा ये लोग काफ़ी विकसित थे, ठीक है। इन लोगों का जो देश था वो काफ़ी विकसित था, बहुत आगे था, ठीक। तो ये लोग जो है, ये लोग खोजी प्रवृत्ति के भी थे, ये लोग नया नया चीज़ ढूंढ रहे थे, नया नया चीज़ खोज रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, बड़ा बड़ा जहाज़ का निर्माण किया, ठीक है, और समुद्र में बड़े बड़े जहाज़ उतारे। और यहीं के इसी यूरोप के कुछ देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, है ना, इन देशों के लोगों ने क्या किया, अपने 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 जहाज़ों से
कुछ लोग यहाँ उत्तरी अमेरिका पहुँचे, कुछ लोग दक्षिणी अमेरिका पहुँचे और खोज किए, कुछ लोग यहाँ से अफ्रीका आए, कुछ लोग यहाँ से जहाज़ से होकर समुद्र के रास्ते से होकर यहाँ भारत आए, ठीक है, फिर कुछ लोग यहाँ से समुद्र के रास्ते से होकर ऑस्ट्रेलिया आए, ठीक। तो इस तरह से यह जो यूरोप देश के लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, पृथ्वी के जितने भी देश थे, ठीक है, उन सभी देशों को समुद्री रास्ते से होकर वहाँ पे पहुँच गए और उनका खोज किया, ठीक है। इसी को हमारे इतिहास में भौगोलिक खोज का नाम दिया गया, ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। और इसी भौगोलिक खोज के बारे में हम इस अध्याय में आज समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस अध्याय का जो पहला टॉपिक है भौगोलिक खोज, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जितना हम मैप पर बताए हैं, ठीक है, उतना ही आपको इतना में दिया हुआ है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। और इस भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि में हम लोग समझेंगे कि यह जो भौगोलिक खोजें हुई, ठीक है, किस कारण से हुई और कैसे हुई, किन लोगों ने किया, ठीक है। तो देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह जो भौगोलिक खोजें हुई वह क्यों हुई। यह जो सभी देश के जो लोग थे, वो लोग तो जहाज़ से समुद्र में उतरने में तो डरते थे, उन लोगों को लगता था कि पृथ्वी चपटा है, आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो कैसे इन लोगों ने बड़ा बड़ा जहाज़ का निर्माण कर लिया और अन्य देशों में चले गए, ठीक है, समुद्री रास्ते से। तो देखिए, आप ये कहावत सुने होंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब तक आपको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तब तक आप उस चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है। तो पहले क्या था, यह जो यूरोप देश के लोग थे, यह हमारे भारत देश के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे, ठीक। और व्यापार में सहयोग कौन करता था, तो यहाँ के अरबी लोग, यहाँ पे अरबी लोग रहते थे, वे लोग भारत से सामान खरीदते थे और इसको बेच देते थे यूरोप, ठीक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे अरबी साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है, वे लोग ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, ठीक। यहाँ पे तुर्की साम्राज्य का उदय हो गया, वे लोग ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, ठीक है। तो जब ये दोनों साम्राज्य का उदय हुआ, तो यह जो यूरोप का यहाँ से भारत का जो व्यापार होता था, इसका रास्ता इन दोनों मिलकर क्या कर दिया, काट दिया, ठीक। अब कहने का मतलब है, ये लोग ज़्यादा मुनाफा लेने लगे इन लोग से, ठीक है। तो यूरोपीय देश के लोग जो थे, वे लोग परेशान थे, है ना, वे लोग भारत से व्यापार करना चाहते थे, ठीक। लेकिन बीच में यह जो अरब और तुर्की लोग थे, इनका सिर का दर्द था, ठीक। तो ये लोग चाहते थे कि अब हम कैसे हम भारत पहुँचे, ठीक है। सोचते सोचते ये लोग क्या किए, लास्ट में जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ बनाया, है ना, और जहाज़ से समुद्र के रास्ते से होते हुए आखिरकार भारत पहुंच गए, ठीक है। तो इसी जहाज़ से समुद्री रास्ते से होकर भारत पहुंचने तक की कहानी को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, भौगोलिक खोजों का प्रमुख कारण में आपके किताब में दो कारण दिया हुआ है, मुख्य कारण, जिसके बाद क्या हुआ, यूरोपीय देश के जो लोग थे, वे लोग समुद्र में जहाज़ उतारकर समुद्र के रास्ते से दूसरे देश लोग को जाने लगे, ठीक है। और वह दोनों प्रमुख घटना क्या था, ठीक है। तो देखिए, दो को शहर है, पहला है देखिए यहाँ पे जेरूसलम, ठीक, और दूसरा है यहाँ पे कुस्तुनतुनिया, ठीक है। यह दोनों शहर जो है, यह पहले यूरोप के कब्जे में था, ठीक। लेकिन क्या हुआ, 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम शहर पर अरबों ने आक्रमण किया और अरबों ने इसको अपना लिया, यानी जेरूसलम शहर से यूरोप को हाथ धोना पड़ गया, ठीक। फिर उसके बाद 1453 में कुस्तुनतुनिया पर क्या हुआ, तुर्कों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, यह भी यूरोप के हाथ से निकल गया, ठीक है। उसके बाद यूरोप जो है, उसका एशिया आने का, भारत आने का रास्ता ही कट गया, ठीक। कैसे, तो इसको हम लोग मैप पर समझ लेते हैं। देखिए, दूसरे मानचित्र पर देखिए, यह है आपके पूरा विश्व का मानचित्र, यहाँ है यूरोप, यहाँ है एशिया और यहाँ है आपका भारत, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो पहले क्या था, यूरोप के जो लोग थे, ये भारत से बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे, ठीक है। यह हमारे देश से बहुत ज़्यादा व्यापार इसलिए करते थे क्योंकि हमारे देश में इनको मसाला बहुत ज़्यादा मिलता था और यहाँ पे इनको पहनने के लिए कपड़ा मिल जाता था, ठीक है। देखिए, आज बहुत सारा ऐशो आराम का चीज़ हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में सिर्फ दो ही ऐशो आराम का चीज़ था, कपड़ा पहनने के लिए अच्छा और खाने के लिए स्वादिष्ट खाना, और यह दोनों कहाँ मिलता था, हमारे देश में, ठीक है। इसलिए यूरोपीय देश के जो लोग थे, वे लोग भारत से क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक। लेकिन अभी आप पढ़े हैं कि जो दो शहर था, जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया, इस दोनों पर क्या हुआ, यूरोप का जो आधिपत्य था वह खत्म हो गया। कैसे, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दोनों शहर है कहाँ, ठीक है। देखिए, यह है आपका मानचित्र विश्व का, ठीक। इसको थोड़ा जूम करेंगे तो देखिए, यहाँ पे है यूरोप और यहाँ पे है आपका भारत देश, ठीक है। तो ये जो यूरोपीय लोग थे, वे लोग पहले इस रास्ते से होकर भारत देश आते थे, ठीक। और यहीं पे है आपका जेरूसलम, ठीक है। देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे है इज़राइल, ठीक है। और इसी
इसराइल का, इसराइल में है अभी यह जेरूसलम, ठीक है। तो इस जेरूसलम, यह जो जेरूसलम था यह पहले किसके अंडर में था, पहले यूरोप के अंडर में था, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब अरब का उदय हुआ, ठीक है, अरबी साम्राज्य का जब उदय हुआ तो इस जेरूसलम शहर को अरबी लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। यह जो कब्जा था यह यूरोप के कब्जे से हट गया जेरूसलम, ठीक। तो यहाँ से यूरोपीय लोगों का, व्यापारियों का जेरूसलम से होकर भारत जाना इनका रास्ता कट गया, ठीक है। ये लोग जाने नहीं देते थे इन लोग को, ठीक, क्योंकि ये लोग बहुत आगे बढ़ गए थे, ये लोग इधर से जाने नहीं देते थे इन लोग को, ठीक। उसके बाद अभी आप दूसरा समस्या पढ़े हैं कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। यह कुस्तुनतुनिया कहाँ था? तो देखिए, ये लोग का एशिया से जो व्यापार होता था भारत देश से, तो जब जेरूसलम जब इनके हाथ से निकल गया तो वे लोग क्या थे, वे लोग इधर से होकर इधर इस रास्ते से होकर जाते थे भारत, ठीक है, दूसरे रास्ते से होकर जाते थे, ठीक। लेकिन अब जब तुर्की साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है, तो देखिए यहीं पे था कुस्तुनतुनिया शहर, ठीक है। तो इस कुस्तुनतुनिया शहर को इस तुर्की साम्राज्य के राजा ने क्या किया, अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ही रास्ता है निकलने का, देखिए यहाँ पे यह है तुर्की, ठीक। यहाँ पे देखिए यह इस्तांबुल है, इसी का पहला का नाम, पहले नाम था कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कॉन्स्टेंटिपोल इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक, आपके किताब में कुस्तुनतुनिया दिया हुआ है। और इस पूरे यूरोप से इसी रास्ते से होकर, ठीक है, कुस्तुनतुनिया से होकर ये लोग का व्यापार होता था, कहाँ का, इस भारत देश का, ठीक है, यहाँ पे भारत देश है और इसी इस्तांबुल से होकर ये लोग का व्यापार होता था। इस्तांबुल का ही नाम है कुस्तुनतुनिया, ठीक है, आज का डेट, आज के नाम है इसका इस्तांबुल और पहले इसका नाम था कुस्तुनतुनिया, ठीक। तो इस कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य कर लिया, तुर्की ने, ठीक। और इस जेरूसलम पर किसने अधिकार कर लिया, यहाँ के अरबी शासक, ठीक। और इन लोगों का जो व्यापार करने का रास्ता था, यह दोनों जो प्रमुख रास्ता था वह कट गया यहाँ से, ठीक। अब ये जो यूरोप के लोग थे ये लोग परेशान हो गए, अब हम भारत कैसे जाएं, ठीक। तो ये लोग क्या किए, अब समुद्र का रास्ता खोजने लगे, ठीक है। ये लोग क्या किए, समुद्र के रास्ते से होकर इधर से होकर ऐसे पूरा अफ्रीका को घूमते हुए ऐसे भारत आने लगे, ठीक है। तो यही दोनों रास्ता कट जाने के कारण क्या हुआ, ये लोग समुद्र में जहाज उतारे और समुद्री खोज करने लगे। तो देखिए प्रमुख कारण यही था। तो अब देखिए इस भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि में जो मुख्य दो कारण था, यानी जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया शहर जो उनके यूरोपीय के हाथों से निकल गया, ठीक है। तो इसके बाद यूरोपीय लोग क्या किए, समुद्री रास्ते से होकर भारत आने का दिमाग लगाने लगे, ठीक है। तो अब जब हार गए ये लोग, ये दोनों शहर, ठीक है, जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया, तो ये लोग क्या किए, नए नए आविष्कार करने लगे, ठीक है, और नौसेना का विकास किया ये लोग, ठीक है। नौसेना का मतलब होता है, यानी जो समुद्र में जो लोग सैनिक लोग उतरते हैं उसको नौसेना कहते हैं, ठीक है, जो लोग समुद्र में रहते हैं जो सैनिक लोग, तो नौसेना का विकास किया ये लोग, ठीक। अच्छा, उसके बाद यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा, ठीक है। कंपास देखिए इस तरह का होता है, इससे पता चलता है कि हम किस दिशा में हैं और किस दिशा में हमको जाना है, ठीक है, इसे दिशा का पता चलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में भी वृद्धि हुआ, ठीक है। इटली, स्पेन और पुर्तगाल में क्या हुआ, समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण होने लगा, बड़े बड़े जहाज का निर्माण होने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूरबीन का भी आविष्कार हो गया, यानी समुद्र में वे लोग दूर दूर तक देख सकते थे कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है, यह सब खोज होने लगा। देखिए फिर अगले पेज पे देखिए एस्ट्रोलोब का खोज होने लगा, खोज हो गया। एस्ट्रोलोब क्या है, तो यह अक्षांश जानने का एक उपकरण है, ठीक है, यही एस्ट्रोलोब, ठीक है, इससे पता कर सकते थे कि हम अभी किस अक्षांश पर है, अभी हमको कहाँ जाना है, ठीक। यह सब समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में क्या हुआ, कैरावल जहाज बना, ठीक है। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज बनाए जिसका क्या नाम था, कैरावल, ठीक। अब इनके पास हर चीज़ हो गया था समुद्र में चलने के लिए, ठीक। देखिए यह सब जो नया उपकरण का खोज हुआ, ठीक है, इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर, सबसे बड़ा चीज़ है साहस,
ठीक है। उपकरण तो खोज लेना बड़ा चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है साहस। ये लोग ने क्या किया, साहस किया समुद्र में उतरने का, ठीक है। साहस के बल पर क्या हुआ, यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे, ठीक है। इसी क्रम में देखिए 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप तक पहुँच गया, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा जीके में यह आते रहता है, ठीक है। इसको मैप पर अभी समझ लेते हैं, यह जो बार्थोलोमियो डियाज थे ये कैसे कहाँ पहुँचे। तो देखिए आप देख सकते हैं यह है विश्व का मानचित्र, और यहाँ पे देखिए यूरोप है, ठीक, और यह है अफ्रीका महादेश, ठीक। तो बार्थोलोमियो डियाज जो था वह पुर्तगाल का नाविक था, ठीक है, और यह यहीं पे देखिए पुर्तगाल देश है, और यहीं से यह समुद्र में होते हुए जहाज से कहाँ आया, यहाँ पे आया इसके अफ्रीका के दक्षिणी तट पर आया, यहाँ पे यहीं पे इसका नाम रखा यह केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा द्वीप इसका नाम रखा, ठीक है। इसको जब आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखिए यही है पुर्तगाल देश, ठीक है, यह पूरा ये यूरोप का महादेश है, ठीक है। और इस यूरोप देश महादेश में देखिए यहाँ पे देखिए पुर्तगाल है, यह जो पीला कलर वाला जो देश है यह क्या है, पुर्तगाल है, ठीक है। यहीं से बार्थोलोमियो डियाज क्या हुआ, अपना जहाज उतारा और समुद्र के रास्ते से होते हुए ठीक है, समुद्र के रास्ते से होते हुए कहाँ आया, देखिए इस अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम तट पर आया, ठीक है, यानी यहाँ से समुद्र के रास्ते से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। इसके आगे यह भारत नहीं जा पहुँचा, इसके बाद यह थक गया, इसको रास्ता समझ में नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर यह यहाँ से वापस चला गया, लेकिन देखिए कुछ तो खोजा, यहाँ तक तो कम से कम आया, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा अंतरिप, ठीक है। किसने रखा, बार्थोलोमियो डियाज ने, ठीक है। तो देखिए आपने अभी समझा कि 1488 में खोजी अभियान का जो स्टार्टिंग है किसने किया, बार्थोलोमियो डियाज ने, ठीक है। 1488 में इसने किसी जगह खोज किया, उत्तम आशा अंतरिप यानी अफ्रीका के दक्षिणतम तट पर यह पहुंच गया, ठीक। इसके बाद देखिए 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस भी अपने देश स्पेन से निकला और किसका खोज कर दिया, अमेरिका का खोज कर दिया। इसको भी हम समझ लेते हैं अपने मैप पे, आप देख सकते हैं ये आपका विश्व का मानचित्र और यहाँ पे है यूरोप महादेश, ठीक। देखिए यह जो पुर्तगाल देश है अभी आप देखे हैं पुर्तगाल, ठीक, जस्ट इसी के बगल में है स्पेन और क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वह इसी स्पेन का नाविक था, ठीक है। और यह जो कोलंबस है यह जब जहाज से निकला, देखिए कोलंबस से पहले बार्थोलोमियो डियाज तो यहाँ से निकल के यहाँ तक आ ही गया था, ठीक, कोलंबस को इसे आगे बढ़ना था। कोलंबस जो था यह असल में अपने भारत देश का ही खोज करने निकला था, ठीक है। इसको यहाँ के सभी व्यापारियों को किससे व्यापार करना था, भारत देश से, ठीक। ये लोग भारत देश को खोजने में जुटे थे समुद्री रास्ता का, ठीक। इधर से तो पहले जा ही रहे थे लेकिन रास्ता कट गया था तो वे लोग समुद्र से होकर जा रहे थे। तो यह कोलंबस जो है वह जहाज लेकर निकला, ठीक, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, इसका दिशा गड़बड़ा गया है ना, इसका जहाज खराब हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, इसका जहाज भटक गया रास्ते में, ठीक, और इसका जहाज भटक के इधर आ गया, ठीक है। कहने का मतलब कोलंबस जो था यह तो सोचा था कि हम जा रहे हैं भारत, लेकिन असल में यह भारत गया नहीं, यह कहाँ पहुँच गया, यह इधर आ गया। देखिए यहाँ पे बहमास लिखा हुआ, यह जो द्वीप है बहमास, ठीक, यहीं पे यह पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पहुँच के इसने क्या किया, अमेरिका का खोज कर दिया, ठीक। अच्छा, जब अमेरिका का खोज कर दिया और जब यहाँ से यह वापस लौटा तो इसको यह समझ में नहीं आया कि हम अमेरिका का खोज किए, कोलंबस को लग रहा था कि हम भारत का ही खोज कर दिए, ठीक है। मरने से पहले तक उसको यही लग रहा था कि हम किसका खोज किए हैं, भारत का खोज किए हैं, ठीक। वह एक बार जाने के बाद दो बार और चला गया यहाँ पर, ठीक, उसको अभी भी लगता था कि हम क्या किए हैं, भारत का ही खोज किए हैं, ठीक है। लेकिन वह गलत था, बाद में दूसरा अमेरिगो वेस्पुची नाम का जो नाविक था वह अमेरिका गया तो उसने क्या किया, यह जो कोलंबस था इसके बात को गलत ठहराया कि नहीं तुम भारत में नहीं गया था, कहाँ गया था वह, अमेरिका गया था और उसने नया महादेश का खोज किया था, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जाना कि 1488 में खोजी अभियान का शुरुआत किया बार्थोलोमियो डियाज ने, यह अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा उत्तम आशा द्वीप पर, ठीक। उसके बाद 1492 में कोलंबस निकला भारत के खोज पर, लेकिन वह गलत दिशा में भटक गया और चला गया अमेरिका और उसने क्या कर दिया, अमेरिका का खोज कर दिया, ठीक। आगे 1498 में पुर्तगाल का ही एक नाविक था, ठीक है, क्या नाम था, देखिए यहीं पे है, यही वास्को डी गामा है,
ठीक। पुर्तगाल का ही एक साहसी नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक, यह उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट तक पहुंच गया। ठीक है, अब जब कालीकट पर पहुंचा तो वहां का स्थानीय शासक जो जेमोरिन था उसका भव्य स्वागत किया। कौन? वास्को डी गामा का। ठीक है, और एक बात और कहा जाता है कि यह जो वास्को डी गामा है यह अकेले नहीं पहुंचा, इसको हेल्प किया अब्दुल मजीद ने। ठीक ना, ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका में इसका अब्दुल मजीद से इसको भेंट हुआ वास्को डी गामा को, और इसने इसी अब्दुल मजीद के हेल्प से यह जो वास्को डी गामा है यह कहाँ आ गया, हमारे भारत देश के केरल के कालीकट तट पर। मैप पर देख लेते हैं इसको हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल का जो नाविक था वास्को डी गामा, इसी पुर्तगाल का ही वह नाविक था। ठीक है, यहाँ पे जो पुर्तगाल देश अभी आप पढ़े हैं जहाँ का बार्थोलोमियो डियाज था वहीं का यह वास्को डी गामा भी था। ठीक है, ये वह क्या हुआ, पुर्तगाल से निकला और यह समुद्री रास्ते से होते हुए कहाँ आया, ये दक्षिणी तट तक आया। ठीक, इस अफ्रीका के दक्षिणी तट यानी केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा अंतरिक्ष पर आया, जहाँ तक का खोज पहले बार्थोलोमियो डियाज कर दिया था। ठीक, कौन आया, वास्को डी गामा, यहाँ समुद्र रास्ते से होते हुए यहाँ आया। ठीक, यहाँ जब आया तो इसको यहाँ पे भेंट हुआ एक अब्दुल मजीद नाम का व्यापारी से। ठीक, और वह जो अब्दुल मजीद नाम का व्यापारी है वह वास्को डी गामा को कहा कि चलिए आपको हम पहुँचा देंगे भारत, हमको देखा हुआ है यहाँ से। ठीक, और उस अब्दुल मजीद व्यापारी के हेल्प से यह जो वास्को डी गामा था फिर यहाँ से अपना जहाज़ शुरू किया और समुद्री रास्ते से होते हुए हमारे भारत देश में यहाँ पहुँच गया। ठीक है, कहाँ पहुँचा हमारे भारत देश में, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे खोजी कोट लिखा हुआ है। ठीक, इसी का पहले नाम था कालीकट। ठीक, तो यह जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, यहाँ से होते हुए समुद्री रास्ते से होते हुए यह जो वास्को डी गामा था वह कहाँ पहुँचा, खोजी कोट इसी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक, यहाँ का राजा उस समय था जेमोरिन, उसने वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत किया। ठीक है, और यहाँ से वास्को डी गामा ने बहुत सारा सामान खरीदकर वापस फिर जब अपने देश में पहुंचा, ठीक है, तो बहुत सारा पैसा कमाया। ठीक, अब जब देखिए भारत का जब खोज हो गया तो देखिए समुद्री रास्ते का खोज, ठीक है, तो उसके बाद देखिए फिर आप तो पढ़े ही हैं कि 1492 में ही क्या हुआ था, कोलंबस ने अमेरिका खोज कर दिया था, लेकिन उसको लग रहा था कि हम किसका खोज किए हैं, भारत का खोज किए हैं। ठीक, लेकिन असल में अमेरिगो वेस्पुच्ची यही जो नाविक था यह यूरोप से कहाँ गया, अमेरिका गया, और उसने उस वह कोलंबस के बात को गलत ठहराया, उसने कहा कि नहीं कोलंबस ने भारत का नहीं बल्कि एक नया दुनिया का खोज कर दिया है। ठीक है, अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे किसने किया था 1492 में, कोलंबस ने। ठीक, यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था और यहाँ के निवासियों को उसने क्या कह दिया था, रेड इंडियन नाम रख दिया था यहाँ का। ठीक, और बाद में स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुच्ची, यह जब गया वहाँ अमेरिका, ठीक है, तो कोलंबस के बात को गलत ठहराया। ठीक, और उसने पूरे अमेरिका महाद्वीप का यह महादेश का खोज किया। कहने का मतलब है कोलंबस जो था यह तो रास्ता भटक गया था और अमेरिका पहुंच गया था। ठीक है, इसको तो लग रहा था कि हम भारत का खोज कर दिए हैं, लेकिन यह असल में भारत का खोज किया नहीं था, यह दूसरे नया दुनिया खोज कर दिया था। बाद में अमेरिगो वेस्पुच्ची जो स्पेन का नाविक था यह गया अमेरिका। ठीक है, तो यह अमेरिका में पूरे जगह को विस्तार से घूमा। ठीक है, इधर अभी का जो कनाडा है, अमेरिका, यूएसए है, ठीक, मेक्सिको है, ब्राज़ील है, तो इस पूरे जगह को भी अच्छा से घूमा और इस पूरे जगह का नाम रह गया किसके नाम से, उसी अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम से इस पूरे जगह का नाम अमेरिका पड़ गया। ठीक है, अब देखिए अमेरिगो वेस्पुच्ची के बाद 1519 में मैगलेन नाम का एक नाविक था, क्या नाम था उसका, मैगलेन, इसने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। ठीक, जब जहाज से यह पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया तो यह धारणा पुष्ट हो गया कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पृथ्वी गोल है। ठीक है, 1519 में क्या हुआ, मैगलेन पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। ठीक, एक तरफ से गोल 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 घूमते घूमते वापस फिर वहीं पे पहुंच गया, तो इसे क्या पता चला, इसे यह पता चला कि हमारा पृथ्वी गोल है। ठीक, और सारा समुद्र जो है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए कैप्टन कुक नाम का एक नाविक था, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का भी की भी खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। ठीक, कैप्टन कुक जो था वह यहाँ से निकला अपना जहाज़ लेके। ठीक है,
तो यह क्या किया, यह ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा और यहाँ न्यूजीलैंड के द्वीपों को, यह सब द्वीप का यह सब क्या किया, पता लगाया। कौन? कैप्टन कुक। ठीक है, इसके बाद देखिए, सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। ठीक, यह न्यू फाउंडलैंड द्वीप कहाँ है? तो देखिए, यह है आपका विश्व का मानचित्र, और सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने किसका खोज किया, न्यू फाउंडलैंड द्वीप का। तो देखिए, यहाँ है आपका यूरोप और न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ठीक है, यही जो द्वीप है इसका खोज किया किसने, सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने। ठीक है, यह अभी आज के डेट में कनाडा में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, बहुत सारे नाविकों ने बहुत सारे देशों का क्या किया, पता लगाया, खोज किया। ठीक, बहुत सारे लोगों का आपने नाम इसमें देखा। देखिए, भौगोलिक खोज जो हुआ वह ऐसे ही नहीं हुआ, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कोलंबस गया तो सिर्फ कोलंबस ही गया, या फिर वास्को डी गामा आया तो सिर्फ वास्को डी गामा ही आया, ऐसा नहीं था। वे लोग कम से कम 200-300 के बल में आते थे, 200-300 लोग आते थे और धीरे धीरे लोग जहाज को चलाते चलाते पहुँचते थे। ठीक, उसमें जहाज को एक जगह देश से दूसरे जगह भेजने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। ठीक, तो वह पैसा आएगा कहाँ से? तो वह पैसा जो था वह वहाँ उस यूरोप के जो कुछ देश के जो शासक थे, वे लोग क्या करते थे, नाविकों को प्रोत्साहित करते थे कि हाँ तुम लोग जाओ खोज करो जितना करना है। ठीक, तो इसमें विभिन्न यूरोपीय देश के शासकों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार जो थे जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। ठीक, यह क्या करते थे, यह नाविकों को बहुत प्रोत्साहित करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा देते थे उन लोगों को कि जाओ खूब खोज करो, जितना नया नया जगह का पता लगाना है पता लगाते रहो। ठीक, फिर एक स्पेन की महारानी थी इसाबेला। ठीक, यह भी बहुत ज़्यादा इस सब में इंटरेस्ट लेती थी, यह भी नाविकों को क्या करती थी, खूब पैसा देती थी, खूब सारा सामान देती थी कि जाओ तुमको पता लगाना है पता लगाओ नया नया जगह का। ठीक है, तो इस तरह से यह जो दोनों शासक था, हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजकुमार और स्पेन की महारानी इसाबेल, यह दोनों प्रमुख थी यानी नाविकों को प्रोत्साहित करने में। ठीक है, यह जो भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि टॉपिक है, इसमें भौगोलिक खोज क्यों हुआ, कौन सा दो कारण था, ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से समझा, और फिर कैसे हुआ, किन लोगों ने मिलकर बहुत सारे देशों के जो समुद्री रास्ते थे उनका खोज किया। ठीक है, इन सभी को आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भौगोलिक खोजों के परिणाम, यानी कहने का मतलब है यह जो भौगोलिक खोज हुआ इसका मुख्य परिणाम क्या क्या था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे परिणाम हैं। ठीक है, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, वाणिज्यवाद का विकास, इस तरह से बहुत सारा परिणाम है। इन सभी को हम लोग एक एक करके अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला परिणाम है, ठीक है, वह है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। ठीक है, नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब यूरोपीय कुछ देश जो थे जैसे पुर्तगाल स्पेन, यह लोग जब दूसरे दूसरे देशों में पहुंचने लगे, ठीक है, तो वहां से व्यापार करते करते ये लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या हो गए, बहुत ज़्यादा धनिक हो गए ये लोग। ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए। यूरोप के जो कुछ देश थे जैसे स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, है ना, इन लोगों का पूरे विश्व में प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये लोग पैसा कमा कमा के व्यापार कर करके इतना ज़्यादा धनिक हो गए कि ये लोग पूरे विश्व में, इन लोगों का प्रभाव क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, कालांतर में यानी इसके बाद अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ जो यह जो पुर्तगाल और स्पेन का जो देश था, ठीक है, यह दोनों देश बाकी देशों से इतना ज़्यादा व्यापार करने लगे। ठीक है, और जैसे जैसे नए नए देशों में ये लोग गए, क्या किया, अपने अपने देश के लोगों को लेते गए। ठीक है, इतना ना ज़्यादा इनका विस्तार हो गया, अपने ही देश को ये लोग क्या किए, भूल गए। कहने का मतलब है कि दूसरे जगह हथियाने के चक्कर में ये लोग का अपना घर ही क्या हो गया, लूट गया। देखिए, अगला है भौगोलिक खोजों का जो परिणाम है उसमें दूसरा परिणाम, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास होने लगा। ठीक है, यह औपनिवेशिक साम्राज्य क्या था, तो देखिए आपका देश अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, असल में यह अंग्रेजों का, इंग्लैंड का हमारा देश उपनिवेश था। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे ही देश के जैसा जैसा वे लोग बहुत देशों पर क्या हुए, राज करने लगे, उनको अपना उपनिवेश बना लिए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं औपनिवेशिक साम्राज्यों का विस्तार।
ठीक। देखिए यहाँ पीला वाला बॉक्स में यह भी दिया है कि हमारे देश में यानी भारत में यूरोपीय कंपनियाँ सबसे पहले कौन आया। तो देखिए भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया 1498 में, आपको तो पता ही है वास्को डी गामा आया था। फिर उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में यहाँ पर स्थापना हुआ। फिर 1602 में डच आया। फिर उसके बाद 1664 में फ्रांसीसी आया। फिर 1616 में डेनिश आया। उसके बाद 1731 में स्वीडिश आया। ठीक है, देखिए असल में यूरोप के जो देश थे ये लोग को दूसरे देशों से व्यापार करते करते ये लोग इतना ज़्यादा धनिक हो गए थे, इतना ज़्यादा इन लोगों के पास पैसा हो गया था कि वे लोग क्या करते थे, जिस देश में जाते थे ठीक है उसी देश पर धीरे धीरे व्यापार करते 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 अपना अधिकार जमा लेते थे। ठीक ठीक उसी प्रकार यहाँ के जो पुर्तगाली थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, हमारे देश में आए तो यहाँ से हमारे यहाँ से भी व्यापार करते 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 क्या किए, हमारे पूरे देश पर इन लोगों ने अपना शासन जमा बैठा। ठीक है, तो यूरोपीय लोग जो थे जिस देश में जाते थे और वहाँ व्यापार करते करते उस देश को ही हथिया लेते थे, इसी को कहते हैं औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे दूसरे दूसरे देशों को क्या किया, अपना उपनिवेश बना लिया। ठीक, ये जो यूरोपीय लोग थे ये पूरे लगभग अफ्रीका के सभी देशों को अपना उपनिवेश बनाए थे, यहाँ इन सभी देशों को लगभग अपना उपनिवेश बनाए थे। ठीक है, पूरे ऑस्ट्रेलिया को अपना उपनिवेश बनाए थे, इधर अमेरिका में जितने भी देश हैं लगभग सभी देशों को इन लोगों ने क्या किया था, हथिया लिया था। ठीक है, तो धीरे धीरे बाद में सभी देश में क्या हुआ, आज़ादी का संघर्ष हुआ और सभी देश इन लोग से क्या हुए, छूट गए। हमारे भी देश में आज़ादी का लड़ाई हुआ। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में। 1947 में जो यूरोपीय थे, अंग्रेजी इंग्लैंड, वे क्या हुए, वापस चले गए। भौगोलिक खोज का जो तीसरा परिणाम था वह है वाणिज्यवाद का विकास। ठीक है, इससे क्या हुआ, यूरोपीय लोग जो व्यापार कर रहे थे बाकी दूसरे देशों से, तो वे लोग व्यापार करते करते इतना ज़्यादा धनिक हो गए थे कि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था। सभी देश क्या करते थे, पैसा अपने पास रखते थे और जिस देश में जाते थे उस देश को क्या करते थे, हथिया लेते थे पैसे के दम पे, जैसे हो वैसे। ठीक, तो इसी को कहते हैं वाणिज्यवाद का विकास। ठीक है, अगला जो परिणाम हुआ भौगोलिक खोज का वह है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। ठीक है, कहने का मतलब है ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार। पहले जो ईसाई धर्म जो था, क्रिश्चियन धर्म, यह पहले यूरोप में ही था, धीरे धीरे यह जो धर्म है क्या हुआ, बाकी सभी देशों में फैलने लगा। ठीक है, ईसाई धर्म के अलावा पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। ठीक है, आप लोग सुनते हुए बार बार कि हम लोग क्या करते हैं, पश्चिमी सभ्यता का जीवन शैली को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। ठीक है, हमारा जो अपना संस्कृति है उसको धीरे धीरे भूल रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का क्या हो गया, प्रसार होने लगा। ठीक, उसके बाद अगला जो पांचवा नंबर का जो परिणाम है वह है दास व्यापार का विकास। ठीक है, यह दास व्यापार क्या था, तो देखिए यह जो दास व्यापार है यह असल में क्या होता था कि देखिए अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में क्या किया जाता था, बेचा जाता था। ठीक है, जैसे बैल जो है वह बिकता है बाजार में, वह बैल किस काम आता है, खेत जोतने के काम आता है। ठीक उसी प्रकार पहले बाजारों में अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया यानी यूरोप के लोग जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ से आदमियों को पकड़ के लाते थे, है ना, और उस आदमी को क्या करते थे, बाजार में बेचते थे। ठीक है, ताकि वह आदमी जो भी खरीद के ले जाए वह उसका क्या करता था, फ्री में काम करता था, जो भी काम होता था उस आदमी से करवाता था। ठीक, तो क्या हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ। ठीक है, अच्छा ये जो दास लोग थे ये लोग करते क्या थे, तो देखिए ये लोग, इन लोग को गुलाम बनाया जाता था और इन लोग से जंगल कटवाया जाता था, खेती करवाया जाता था, सड़क बनवाया जाता था, जहाज में ईंधन झोंकवाया जाता था। ठीक है, माने बहुत ज़्यादा कठिन काम जो होता था इन्हीं लोग से करवाया जाता था। ठीक है, अगला जो परिणाम था वह है भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। कहने का मतलब बहुत सारा जो भ्रांति था उस सबका अंत हुआ। ठीक, कहने का मतलब पहले लोग को लगता था कि पृथ्वी चपटा है, लेकिन मैगलन ने क्या किया, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा दिया समुद्र में, है ना, इससे ये तो समझ में आया लोगों को कि हाँ पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक, इसके अलावा पहले लोग समुद्र में जाने से डरते थे, है ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वे लोग समुद्र में भी उतरे और नए नए देशों का खोज किया। ठीक, तो इस तरह से भ्रांतियों का अंत हुआ, है ना, बहुत सारा ज़्यादा जो भ्रांति था वह सबका अंत हुआ और भौगोलिक ज्ञान में क्या हुआ, लोगों का वृद्धि हुआ। वे लोग विश्व के दूसरे दूसरे देशों को जाने लगे, कहाँ कौन सा देश है, कहाँ कौन सा देश नहीं है, जब सभी जगह का खोज हो गया तो वे लोग का क्या हुआ, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुआ। अगला है अन्य परिणाम,
तो देखिए, भौगोलिक खोज का जो अन्य परिणाम था उसमें मुख्य रूप से क्या हुआ, फसलों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, फसल जो है एक महादेश से दूसरे महादेश में चले गए। ठीक है, जो फसल एक महादेश में होता था वह दूसरे महादेश में नहीं होता था। ठीक, तो फसलों का आदान प्रदान हो गया। जैसे देखिए, यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। देखिए, यूरोप महादेश में कहवा यानी कॉफ़ी का खेती नहीं होता था, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील ये सब का खेती यूरोप में नहीं होता था। ठीक, लेकिन यूरोपीय लोग जो दूसरे दूसरे देशों में गए तो उन लोगों ने वहाँ देखा कि अरे कॉफ़ी इतना अच्छा है, चाय इतना टेस्टी है, गन्ना इतना इसका रस है, इसका चीनी बनता है। तो वे लोग क्या किए, वहाँ से उसका बीज लेते आए और अपने यूरोप में भी इसको बोने लगे और इसका फसल उपजाने लगे। ठीक, अच्छा, इसके अलावा देखिए, यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। ठीक, कहने का मतलब चाय, कॉफ़ी, तंबाकू और आलू हमारे भारत देश में नहीं होता था। ठीक, यह यूरोपीय लोग क्या किए, वहाँ से हमारे देश में लेके आए। ठीक, अच्छा, इसके अलावा देखिए, भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में पाए गए, दूसरे क्षेत्रों में गए। कहने का मतलब है आम, गन्ना यह जो चीज़ था यह भारत देश में ही होता था, तो हमारे भारत देश से क्या हुआ, यह दूसरे दूसरे देशों में बोया जाने लगा। ठीक, तो इस तरह से एक फसल जो है वह विश्व के लगभग सभी जगहों में क्या हो गया, उसका आदान प्रदान हो गया और सभी लोग सभी तरह के फसल उपजाने लगे। ठीक है, तो यह भौगोलिक खोज का यह अन्य परिणामों में से एक था। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से भौगोलिक खोजों के बहुत सारे परिणाम हुए। ठीक है, इन सभी परिणामों को आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, अभ्यास प्रश्न है। इस अभ्यास प्रश्नावली को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, नहीं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो में जितने भी चीज़ समझाए गए हैं आप उसको अच्छे से समझे, पढ़े। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।